वेलकम टू माई चैनल नीमाज कॉर्नर और मैं हूँ नीमा। आज मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ ना, ये मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आती है कि मैडम हमने ऑनलाइन फाउंडेशन मंगवाया था और वो या तो डार्क आ गया है या वो लाइट आ गया है, मतलब हमारे स्किन टोन का बिल्कुल भी नहीं है। अब पैसे बर्बाद हो गए, अब हम क्या करें? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर गलती से आपने डार्क फाउंडेशन मंगवा लिया है या गलती से लाइट फाउंडेशन आ गया है, कैसे आप किसी भी गलत फाउंडेशन को अपने स्किन टोन का कर सकते हो खुद ब खुद। और इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो आपको घर पे मिल जाएंगी, कैसे आप इसे ठीक कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं कोई कैमरा कट नहीं करने वाली हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि कैमरा कट किया होगा तुमने, दूसरा फाउंडेशन लगा दिया। कोई कैमरा कट नहीं होगा और बिल्कुल क्लोजअप से मैं आपको शेड चेंज करके दिखाऊंगी। और शेड 2 से 3 शेड या ज़्यादा भी आप खुद ब खुद कर सकते हो जब तक आपको आपके स्किन टोन का नहीं मिल जाता है। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ और वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मेक श्योर अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आजकल मैं बहुत सारे DIYs ट्राई कर रही हूँ। आप किस चीज़ के लिए DIY देखना चाहते हो, किस चीज़ का देसी जुगाड़ देखना चाहते हो, मुझे कमेंट करके बताना, मैं ट्राई करूँगी। अगर बन पाएगा, सक्सेसफुल हो पाएगा तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो अब बातें बहुत हो गई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने डार्क फाउंडेशन ले लिया है तो आपको चाहिए सबसे पहले एक मॉइस्चराइज़र। मैं यहाँ पे लैक्टोकैलामाइन का यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा डालेंगे हम। और हमें चाहिए पाउडर। जी हाँ, मैंने यहाँ पे पाउडर लिया है। पाउडर सिर्फ मैं इसलिए यूज़ नहीं करूंगी ताकि मेरा जो ये है ना टेक्सचर, इसका बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए। अब आप देख सकते हो खुद ही, मैं आपको दिखाऊंगी मिक्स करके। मैं हाथ पे ही मिक्स कर रही हूँ, नहीं तो कई लोग बोलेंगे कि कैमरा कट किया है, बट मैं कोई कैमरा कट नहीं कर रही हूँ। मैं आपको अभी दिखाती हूँ इसको। इसे आप बना के रख सकते हो, काफ़ी दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हो, मतलब अगर आपने अपने फेस के स्किन टोन का बना लिया है तो उसे आप संभाल के रख सकते हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हो और जो पहले मैंने दिखाया था ये आप देख सकते हो कितना लाइट हो चुका है। ये आप देख सकते हो और कंसिस्टेंसी भी बहुत चेंज हो गई है। लैक्मे का जो ये फेस टिंट है ये बहुत ही लिक्विड है, रनी है, बट जब मैंने इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर और कॉम्पैक्ट, नहीं तो बेबी पाउडर आप ले सकते हो क्योंकि कॉम्पैक्ट का तो कलर होता है, मैंने यहाँ पे बेबी पाउडर लिया है क्योंकि वो व्हाइट होता है। तो आप देख सकते हो दोनों के शेड में कितना डिफरेंस हो गया है और अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है मेरी स्किन के लिए। अगर आपने कोई और फाउंडेशन ले लिया है, जैसे ये तो फेस टिंट था, मैं आपको एक और बार करके दिखा देती हूँ। जैसे ये थोड़ा सा डार्क है, इसे भी आपने वही करना है, थोड़ा सा लूज पाउडर या बेबी पाउडर और थोड़ा सा मॉइस्चराइजर। अब हम इन्हें मिक्स करेंगे और मैं आपको सामने के सामने, कंसिस्टेंसी भी कुछ चेंज नहीं होगी इसकी, और सामने के सामने आपको इसका शेड लाइट होते हुए दिखाती हूँ अभी। एक मिनट, ये देख सकते हो आप। अब मैं आपको इसका ओरिजिनल शेड दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं 2 से 3 शेड लाइट आप इसे कर सकते हैं। और अगर आपने बहुत ज्यादा डार्क मंगवा लिया है तो उसे भी लाइट कर सकते हैं, बस आपने बेबी पाउडर या फिर कोई भी लूज पाउडर, व्हाइट पाउडर जो होता है ना उसे ऐड करना है और मॉइस्चराइजर ऐड करना है, देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं अगर आपने लाइट शेड का फाउंडेशन मंगा लिया है तो आप उसे अब कैसे अपने फेस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपने लाइट शेड मंगवा लिया, जैसे ये एक है मेरे पास फाउंडेशन जो कि लाइट है शेड में, ये इसका ओरिजिनल शेड है, आप देख सकते हो बहुत लाइट है, तो अब मैं कैसे इसे ठीक करूंगी? मैं कोई भी कॉन्टोरिंग पैलेट ले लूंगी, उसमें से ये जो क्रीम कॉन्टोर होता है ना इसे ऐड करूंगी मैं अपने फाउंडेशन में, ये आप देख सकते हो। अब मैं इसमें से जरा सा फाउंडेशन इसमें ऐड करती हूँ, ये देख सकते हो आप, दिख रहा है डिफरेंस कितना चेंज आ गया है विद इन अ सेकेंड। मैंने इतने व्हाइट फाउंडेशन को इतने बिल्कुल अपने शेड पे ले आई हूं, सिर्फ मैंने क्या ऐड किया है, मैंने कॉन्टोर की जो स्टिक होती है ना, या फिर आप कोई ब्राउन लिपस्टिक को भी ऐड कर सकते हो, और देख सकते हो मैंने कितना इंस्टेंटली चेंज कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कौन सी चीज़ की DIY आप देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप बना सकते हो बिल्कुल परफेक्ट फाउंडेशन घर पर, अपने बिल्कुल पैसे वेस्ट आपके नहीं होने वाले हैं। जब तक नीमा आपके साथ है ना, कोई पैसा वेस्ट नहीं होगा आपका। तो आप अगर आपने डार्क ले लिया है तो उसे अपने स्किन टोन का आराम से बना सकते हो, और अगर आपने लाइट ले लिया है उसे भी आप अपने स्किन टोन का बहुत इजीली बना सकते हो, मतलब फाउंडेशन कभी वेस्ट नहीं होगा। कितना महंगा लिया है, कितना सस्ता लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए।
उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया है। यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया और फिर भी लाइक नहीं करोगे ना तो माता रानी पाप लगाएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा हर उस लड़की के साथ जो ऑनलाइन शॉपिंग करती है और फिर बाद में सोचती रहती है यार ये तो गलत फाउंडेशन आ गया अब क्या करूँ, तो उसके साथ शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि आप लोगों के लाइक जो होते हैं ना ये हमें बहुत सुकून पहुँचाते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक करोगे, शेयर करोगे। मेरे चैनल पर नए हो और ऐसी और यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स देखना चाहते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लोगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।